हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी इस स्पेशल सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां हम चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी की, जहां हम इंडियन पॉलिटी को एनसीईआरटी के रास्ते कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की, जहां हम चर्चा करेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की। नाउ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की शुरुआत करने से पहले, पूरे के पूरे डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस को समझने से पहले, जहां सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटीज है उसे समझने से पहले, एक बार माथा टेकते हैं वापस से प्रियम्बल को, वापस से पढ़ते हैं प्रियम्बल को, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रियम्बल में क्या लिखा है। और मेरी इच्छा है कि बाय द टाइम दिस एंटायर प्रोसेस एंड्स, हर किसी को प्रियम्बल जो है वो दिमाग में घर कर जाए। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a क्या चीज, sovereign, socialist, secular, democratic republic। बहुत सारे लोग इसको SSSDR ऐसे करके भी याद रखते हैं, sovereign, socialist, secular, democratic republic, एकदम से, right? And to secure to all its citizens क्या कुछ justice, कौन कौन सी justice, social, economic and political। तो ये तीन तरीके की justice हम इंश्योर करेंगे, सिक्योर करेंगे अपने सिटीजन्स को। दैट इज समथिंग, दिस इज मोर लाइक अ गाइडिंग लाइट। प्रियम्बल क्या है, एक तरीके की गाइडिंग लाइट है। सो इसी एवज में, इसी तरीके से, इसी लाइट में हमने सारे प्रियम्बल को पढ़ना है। दूसरा, लिबर्टी। लिबर्टी किस किस चीज की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, राइट? एंड और क्या इंश्योर करना है, और क्या सिक्योर करना है, We need to secure equality। Equality किस किस चीज की, स्टेटस की equality और अपॉर्चुनिटी की equality। और उसके अलावा we need to promote among them all fraternity, भाईचारे की भावना को हमें प्रमोट करना है, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। Unity and integrity of the nation, ये जो एक फ्रेज, ये और सॉवरेन के अलावा ये जो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है, ये जो वर्ड्स हैं, सेक्युलर वर्ड जिसको आप कहते हैं पर्टिकुलरली, दिस वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं CAA जब लिखता हूं तो समझ आइएगा, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। मेरा लिखने का थोड़ा सा तरीका ऐसा है। सो मेक श्योर कि मुझे आप बताइए कि 42nd अमेंडमेंट के तहत मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि प्रियम्बल में क्या क्या चीजें ऐड हुई थी, प्रियम्बल में क्या क्या चीजें ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट के तहत। ये सवाल बहुत बार आ जाता है, हर एक लेवल के एग्जाम में आ जाता है, यूपीएससी भी ये सवाल पूछ लेती है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नाउ इन ये रहेगा, देखो आपने बताया नहीं है ना, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ Moving on to the entire topic of democracy and diversity. इस पूरे टॉपिक में हमने एक चीज समझनी है कि डाइवर्सिटी एक्चुअल सेंस में भारत के अंदर एंड भारत के बाहर कैसे एग्जिस्ट करती है, और उसका असर एक डेमोक्रेसी में क्या रहता है, किस तरीके से एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी को कंडक्ट करती है। नाउ सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बाहर की दुनिया में। भारत से बाहर कोई मेजर एग्जाम्पल्स हैं तो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं USA के अंदर, जहां सिविल राइट्स मूवमेंट चली 1954 से लेके 1968 के अंदर। तो 1954 से 1968 में दो मेजर ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको हमें यहाँ डिस्कस करना होगा। सबसे पहली चीज जो अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, द एंटायर प्रोसेस, उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने आवाज उठाई एंड ही प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंट मेथड्स। जिस तरीके से गांधी जी ने अपने मेथड्स रखे थे, उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता चुनते हुए रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ और प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई। अफ्रीकन अमेरिकन्स, एफ्रो अमेरिकन्स या ब्लैक अमेरिकन्स या ब्लैक्स, ये जो टर्म्स यूज की जाती थी, एन वर्ड भी यूज किया जाता था, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा बिकॉज इट इज हाईली डेरोगेटरी। तो वो जो एन वर्ड भी यूज किया जाता था, दे आर द टर्म्स यूज्ड टू रेफर मेनली टू द डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन्स जो कि एज स्लेव्स लेके आए गए थे अमेरिका के अंदर ड्यूरिंग दी 17th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज। इन 200 साल के करीब में जो अमेरिका में ऐसे लोग आए, एज स्लेव्स लेके आए गए, तो उनके डिसेंडेंट्स को इसी डेरोगेटरी सेंस में जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। अब यही जो मूवमेंट थी 1950s की, यही मूवमेंट धीरे धीरे हो गई बहुत ज्यादा वायलेंट। इसको बोला जाने लगा ब्लैक पावर मूवमेंट। इन दिस ब्लैक पावर मूवमेंट जो कि 1966 से शुरू होकर 1975 तक चली, दिस वाज मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट एज कंपेयर टू द मूवमेंट जो कि मार्टिन लूथर किंग जी ने शुरू की थी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू की थी। And it advocated even violence if necessary to end racism in the United States. अब इसी में ही एक watershed moment आता है 1968 का, जहां पे एक स्टोरी निकल कर आती है मेक्सिको ओलंपिक्स से। मेक्सिको ओलंपिक्स में यूएस के कुछ एथलीट्स थे जिनका नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस था, दोनों के दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे। इन्होंने बोला कि हम गोल्ड और ब्रोंज मेडल्स तो ले रहे हैं, लेकिन हम ब्लैक सॉक्स पहनेंगे और कोई शूज नहीं डालेंगे, ये बताने के लिए कि जिस तरीके से ब्लैक पीपल वो एम्पावरिश्ड है, पॉवर्टी में ग्रस्त है यूएस के अंदर, उसको हम डिपिक्ट करेंगे टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएस। एंड दे आल्सो वोर ब्लैक ग्लव्स एंड रेज्ड क्लेंज्ड फिस्ट्स, जैसे मुट्ठी बढ़ा के हाथ ऊपर करते हैं उस समय जिस समय अमेरिका का नेशनल एंथम बजाया गया, टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। अब इसके खिलाफ जो है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कार्रवाई की। दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट By making a political statement, यहाँ पे political statement नहीं देनी चाहिए थी उन्हें, ये बोला गया और उनके सारे के सारे उनके मेडल्स वापस ले लिए। They were taken back home, उनको racism और criticism दोनों से ही लताड़ा गया। But their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the US. And in late 1980s, अगर 1980s की मैं बात करूं तो वहां पे जाके थोड़ा सा फर्क आना शुरू हुआ था। इस सिविल राइट्स मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आज भी ब्लैक अमेरिकन्स के खिलाफ आप रेसिज्म देख लेते हैं, जहां पे आप पुलिस एट्रॉसिटीज देखते हैं। बहुत सारे ब्लैक अमेरिकन्स को इसी चीज का सामना डेली बेसिस पे आज भी करना पड़ जाता है इन सर्टन स्टेट्स पर्टिकुलरली। कारण क्या है? कारण ये है कि पुलिस जो है वो अभी भी रेशियली डिटर्मिन करती है whether or not one individual is a criminal or not. तो on the face of it, अगर वो black American है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होती है, अगर वो white American है, अगर वो white है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो lenient हो जाती है। तो इस वजह से law का selective use भी होता है, इस तरीके की चीजें US में देखी जाती हैं। Now, what we need to understand is the basic origin of social differences. ये society के अंदर जो differences हैं ये पैदा कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज पहले ही दिखा देता हूं, इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। रीजन भी अगर आप ये देखेंगे, ये जो ब्लैंक शीट है यहाँ पे मैं अपने दो शब्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड ये जो मेरे दो शब्द हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में 25 नंबर के आंसर में आप मान लीजिए 12 नंबर ले रहे हैं, तो उन 12 नंबरों को 18 या फिर कह लीजिए 19 तक कहां कैसे लेके जाया जाए वो इसी पेज के ऊपर आपको दर्शाया जाएगा। ठीक है जी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं जरा इसको अरेंज कर दूं। नाउ कमिंग बैक टू आवर पेज, जिस पेज पे हम चर्चा कर रहे थे ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। नाउ सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि आप जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस घर में, जिस एरिया में, जिस रीजन में पैदा हो गए, उस वजह से सोशल डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। दैट इज वन थिंग। For example, we all experience social differences based on accident of birth in our everyday lives. हम सबको पता है। For example, केरला वालों को हम मलयालीज बोल देते हैं, बहुत easily बोल देते हैं मलयालीज। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। जैसे for example, पंजाबीज बोल देते हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, हरियाणवीज बोलते हैं, हिमाचलीज बोलते हैं। एंड हम स्टेट वाइज आइडेंटिटीज जो है वो यूज करते हैं। एंड कब ये आइडेंटिटीज सोशल डिफरेंसेज में बदल जाती हैं, वो थिन लाइन कब हम क्रॉस कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इस तरीके की बातों को हम डिस्कस बाद में भी करेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन द ओरिजिन्स फर्स्ट। द सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, लेकिन इसके अलावा ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। कई बार दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग एथीस्ट होते हैं और कुछ लोग दे बिलीव इन गॉड और इन एनी रिलीजन फॉर दैट मैटर, राइट। किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में भी मान सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में भी मान सकते हैं, या किसी सुपरनैचुरल पावर में भी विश्वास कर सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन टुडे अगर आप बात करें तो जो लिबरल फोर्सेस हैं भारत के अंदर, जो लिबरल फोर्सेस हैं और जो कॉम्युनल फोर्सेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इसी वजह से हैं। बिकॉज अगर लिबरल एथीस्ट्स हैं मान लीजिए, लेट्स जस्ट अज्यूम, वैसे तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये क्रॉस कटिंग है लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है। एंड मान लीजिए कम्युनल है तो वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आगे मैं आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर करूंगा कि ये बहुत ज्यादा एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये सारे लिबरल्स एथीस्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस लोग भी लिबरल हो सकते हैं, बहुत सारे एथीस्ट भी कह लीजिए कम्युनल हो सकते हैं किसी ना किसी एंगल पे नाउ, या किसी वो कम्युनल पार्टी को फेवर कर सकते हैं, तो इसको आपने समझना होगा। तो अगर लिबरल सारे के सारे एथीस्ट हैं और कम्युनल सारे के सारे रिलीजियस हैं, तो आप ये बात समझिए कि इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस कि अगर आपने एथीस्ट चुना तो आप लिबरल हो जाएंगे, अगर आप रिलीजियस हुए तो आप कम्युनल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे में सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं एंड आज जो है यही सोशल डिफरेंसेस इतना बड़ा रिफ्ट हो रहे हैं कि आप पूछिए नहीं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर आप एक चीज समझें कि जिस दिन एथीस्ट्स agree to the fact that yes, religious people do exist and they respect their opinion, अगर वो अपने उनके opinion और उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, सिमिलरली रिलीजियस लोग एथीस्ट्स की चॉइस को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, उस दिन बहुत ज्यादा शांति आ जाएगी। सोशल डिफरेंसेस विल नॉट कल्मिनेट इनटू वायलेंट डिफरेंसेस या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में नहीं लीड करेंगे। सोशल डिफरेंसेस हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। मैं जो साइनॉप्सिस दूंगा इस लेक्चर के एंड में उसे ध्यान से सुनिएगा, वो मैटर करेगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, every social difference does not lead to social division. कुछ सारे ऐसे social differences होते हैं जो social division को lead करते भी नहीं है। Similar people from one another, social differences divides similar people from one another, but they also unite very different people. For example, ऐसा भी हो सकता है, this is just an example जो यहाँ पे दिया है, कि कुछ लोग same religion को मानने वाले हो सकते हैं, but they do not belong to the same community. सेम रिलीजन को मानने वाले सेम कम्युनिटी को बिलोंग ना करते हो, बिकॉज देयर कास्ट और सेक्ट इज वेरी डिफरेंट। तो ऐसे में रिलीजन जो है वहां पे आपके डिफरेंसेस शेयर हो जाते हैं, सिमिलैरिटीज आ जाती हैं, एंड वहीं जब कास्ट और सेक्टेरियनिज्म आता है, कास्टिज्म और सेक्टेरियनिज्म आता है, वहां पे डिफरेंसेस हाईलाइट हो जाते हैं एंड दे गेट सेग्रीगेटेड, पीपल गेट सेग्रीगेटेड इन दैट सेंस। इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टू हैव द सेम कास्ट and feel close to each other. For example, there are high caste Hindus, there are low caste Hindus. So high caste Hindus can have linkages with high caste Muslims. High high साथ में आ गए, low low साथ में आ गए। तो इस तरीके की linkages जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ Hindus, एक तरफ Muslims. Now this the example I am taking is of Hindus and Muslims. Reason being यही दो contrasting religions जो हैं ये ज्यादातर vogue में, fashion में रहते हैं, इनकी चर्चा ज्यादा होती है। तो इस वजह से आई एम टेकिंग दीज एग्जांपल्स। दिस इज नथिंग टू डू विद एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आई हैव utmost respect for both of the religions and for that matter any religion. Now I don't disrespect any religion, but yes I don't like certain people जो religion का नाम यूज करते हैं। चलिए, rich and poor persons from the same family often do not keep close relations. आपके हमारे बहुत सारे जानकारी में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी फैमिलीज में कुछ हाई एंड रिच लोग हो सकते हैं एंड कुछ लो एंड पुअर लोग हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में भी रिश्ता नहीं रख सकते। आप देखिए यहाँ पे रिलीजन सेम है, कास्ट सेम है, सेक्ट सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज के आप इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपके अंदर हैं, तो ऐसे करके आपके अंदर सोशल डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि जो डिफरेंसेस हैं या कह लीजिए जो डाइवर्सिटी है जिसका पूरा हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये डाइवर्सिटी ये कैसे भी करके आ सकती है। इट इज नॉट जस्ट बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। तो ये हमें समझना होगा। दस वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। ये अभी हमने देखा, वी हैव रिलीजन, वी हैव कास्ट, कास्ट है हमारे पास, सेक्ट है हमारे पास, इकोनॉमिक स्टेटस है, एंड देन वी हैव प्रोफेशंस। फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर के साथ बहुत जल्दी लिंक कर जाएगा, एंड सिमिलरली डॉक्टर के साथ लिंक कर जाएगा। इंजीनियर के साथ ज्यादातर शादी होती है, डॉक्टर्स के साथ ज्यादा शादी होती है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो इनके इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स के साथ शादी हुई, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स के साथ शादी हुई। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये प्रोफेशन का कह लीजिए ये सोशल डिफरेंस है। एक इंजीनियर की डॉक्टर के साथ क्यों नहीं हो रही, सोशल डिफरेंस है, राइट। नाउ सम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोशल डिफरेंस ओवरलैप भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स बिकम्स अ सोशल डिविजन इन द यूएस, क्योंकि ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिमिलर सेंस में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दलित्स के साथ ऐसा होता है दैट दे टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस, दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो उन लोगों के साथ ज्यादा कह लीजिए ज्यादतियां होती हैं या कह लीजिए वो गरीब ज्यादा होते हैं। सिमिलर सेंस में सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूसेस सोशल डिविजन्स which one kind of social difference becomes more important, where one kind of social difference becomes more important than the other and people start feeling that they belong to different communities. अब होता क्या है इन सारे केसेस में ओवरलैपिंग हो रही है। एक डिफरेंस तो हो गया ये सोशल डिफरेंस जहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अगर ब्लैक पुअर है और व्हाइट जो है पुअर नहीं है वो एबल्ड है तो वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। ब्लैक के पास घर नहीं है, व्हाइट के पास घर है। ब्लैक के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, व्हाइट के खिलाफ नहीं हो रही है। सिमिलर सेंस में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड जो नॉन दलित्स हैं दे टेंड टू बी एबल इनफ, राइट। तो वो टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो देयर आर सो मेनी सोशल डिफरेंसेस जो एक ही चीज के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक ही आइडेंटिटी के ऊपर मल्टीपल आइडेंटिटीज जब ओवरलैप होती हैं तो ऐसे केसेस में जो सोशल डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो डिवीजन में बदलना शुरू हो जाता है और डिवीजन धीरे धीरे सोसाइटी में रिफ्ट पैदा कर देती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमने समझनी है आज के इस लेक्चर में, ये सब कैसे हो रहा है। नाउ ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं इसको जरा समझ लेते हैं। एक एग्जांपल आपको ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का मैंने बताया, अब हम बात करेंगे क्रॉस कटिंग की भी। दोनों चीजों को ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड्स का, नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल बहुत ही उम्दा है, इससे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी कुछ चीजें जानकारी पता चलती हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से समझें एंड कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे इसके नोट्स भी बना लें बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में ये काम भी आ सकते हैं। नाउ बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, ये दोनों की दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। अब ये सिमिलैरिटीज आ गई, लेकिन अगर डिसिमिलैरिटीज की मैं बात करूं बट दे आर डिवाइडेड इंडिविजुअली एज कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो क्रिश्चियन कैथोलिक्स और क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स, तो ये दोनों के दोनों कंट्रीज के अंदर ये दोनों सेक्ट कह लीजिए क्रिश्चियनिटी के सेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो क्लास और रिलीजन ओवरलैप करते हैं विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर आप कैथोलिक हैं तो यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर। तो अगर आप कैथोलिक हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में तो आप कैथोलिक होंगे और आप गरीब भी होंगे, इसके चांसेस ज्यादा है। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल्स जिस तरीके से एग्जिट पोल्स करते हैं उसी तरीके के जब पोल्स होते हैं तो ये पता चलता है पीपल बिलोंगिंग टू कैथोलिक रिलीजन दे टेंड टू बी पुअर, तो वो पुअर होंगे ज्यादा पता चलता है। एंड यू मे हैव सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आपके खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने डिस्क्रिमिनेट किया होगा इन द पास्ट हिस्ट्री। और अगर यही नेदरलैंड्स की मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स में क्लास और रिलीजन दे टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर, मतलब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों के दोनों में बोथ आर अबाउट बोथ इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच, मतलब कैथोलिक्स हैं तो वो पुअर भी होंगे रिच भी होंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। वहीं अगर प्रोटेस्टेंट्स हैं तो वो रिच भी होंगे पुअर भी होंगे। तो दोनों में रिचनेस और पुअरनेस या पॉवर्टी कह लीजिए वो दोनों में बराबरी के तौर पे इट कट्स अक्रॉस दिस आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन। ये जो आइडेंटिटी है रिलीजन की ये क्लास आइडेंटिटी को कट अक्रॉस करती है। रीजन बीइंग कैथोलिक होने के कारण आप पुअर नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए कि आप रिच भी हो सकते हैं नेदरलैंड्स के अंदर। यहीं अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें तो इसी आइडेंटिटी को ओवरलैप कर जाती है रिलीजियस आइडेंटिटी, क्लास और रिलीजियस आइडेंटिटी एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। ठीक है जी, चलिए। द रिजल्ट इज दैट कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। रीजन बीइंग कैथोलिक्स जो है दे हैव फेस्ड द फैक्ट कि जो ये सोशल डिफरेंस है इट हैज टेंडेड टू बिकम सोशल डिविजन, और उसकी वजह से ये रिफ्ट आया और उसी रिफ्ट की वजह से देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड्स व्हाइल दे डू नॉट डू सो इन नेदरलैंड्स। वही नेदरलैंड्स की अगर आप बात करें, क्योंकि सब लोग अमीर भी हो सकते हैं गरीब भी हो सकते हैं, टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि रिलीजन की वजह से आप अमीर या गरीब होंगे, तो वो सोशल डिफरेंसेस कभी सोशल डिविजन में बदले ही नहीं। इसी वजह से नेदरलैंड में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। Overlapping social differences create possibilities of deep social divisions and tensions. वहीं अगर cross-cutting social differences हैं, they are easier to accommodate. यही चीज Netherlands में देखी गई and इसी वजह से Netherlands में कभी भी इस तरीके के issues, जिस तरीके के बड़े issues Northern Ireland में निकल कर आए उस तरीके के issues कभी भी Netherlands में नहीं आए। Now अगर हमें ये चीज समझ आ गई है, आई होप आप सबको ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन। अभी हमने ये तो देख लिया कि सोशल डिफरेंस से हम सोशल डिविजन की तरफ कैसे जाते हैं, लेकिन अब सोशल डिविजन का फायदा या नुकसान पॉलिटिक्स में कैसे होता है इसे समझना होगा। हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स? हाउ डज पॉलिटिक्स डू दीज डू व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स? पॉलिटिक्स इनके ऊपर क्या असर डालती है और इनका पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर रहता है, दोनों के दोनों एंगल्स को समझना है। नाउ सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। इट डजंट मैटर whether the country is small or big. भारत जैसे देश की बात करें तो बड़ी कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज, है ना। तो बेल्जियम में भी सिमिलरली बहुत सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में भी सिमिलरली मेनी कम्युनिटीज एग्जिस्ट। इंडिया बड़ी कंट्री है, बेल्जियम छोटी कंट्री है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है कंट्री के साइज से कुछ भी लेना देना नहीं। इवन दोज कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की बात करें या स्वीडन की बात करें, दैट वर वंस हाईली होमोजेनस are undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world. तो homogeneous countries भी आज social differences face कर सकती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार अगर आपने homogeneous society establish कर दी तो वो homogeneous ही रहेगी। तो इस चीज को भी समझिए। At first sight, it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ही नुकसान नहीं होता है पॉलिटिक्स का सोशल डिविजन के ऊपर असर। एक चीज समझिए, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यूपीएससी जीएस के पेपर 2 के अंदर, जीएस पेपर 2 के अंदर साफ तौर पे इंडियन पॉलिटी की ऊपर इन सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछने वाली है। आप मान के चलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के अंदर, यहां से क्वेश्चंस रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको इस पूरे टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। नाउ द इशू इज व्हेनेवर वी टेंड टू राइट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, जब भी हम आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं तो हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं, राइट। द रीजन इज हम इसको एनसीईआरटीज को सही तरीके से कवर नहीं करते। दैट इज माय एंटायर मोटिव कि हम एनसीईआरटीज को इस तरीके से कवर करें कि एनसीईआरटीज प्रॉपर टेक्स्ट मटेरियल बने हमारे लिए। तो आप लोगों के सामने मैं वही चीजें लेके आता हूं जो आप अपने आंसर्स में, मेंस में, अपने एसेज में यूज कर सकते हैं, और आपके एसेज को, आंसर्स को चार चांद लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यही वर्ड्स, यही टेक्निकल वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो सीधे तौर पे वो 12 से 18 तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एंड 12 से 18 तक की जो जर्नी है वो आपको रैंक 500 से रैंक 5 या रैंक 1 तक लेके जा सकती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दैट इज इट। चलिए, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन। डेमोक्रेसी में तो कंपटीशन होना लाजमी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, लड़ेंगी। देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। अब मान लीजिए एक बीजेपी को फेवर करता है, दूसरा कांग्रेस को फेवर करता है, तो वो हर कोई अपनी पार्टी लाइन के व्यू पॉइंट्स के ऊपर काम करेगा, है ना। इफ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स, इट कैन मेक दीज सोशल डिविजन्स इनटू पॉलिटिकल डिविजन्स। अब जो ऑलरेडी सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं और उस चीज को पॉलिटिकल पार्टीज जो है पकड़ती हैं, तो यही सोशल डिविजन्स पॉलिटिकल डिविजन्स में बदल जाएंगे। एंड दिस वुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि आज हो भी रहा है, वायलेंस एंड इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री। नाउ ये बहुत सारी कंट्रीज में होता है, लेकिन दिस इज नॉट द नॉर्म, ये हमेशा ही नहीं ऐसा होता। अब फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड और यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में तो ऐसा हुआ कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है अलोंग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइंस, दिस लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। आप सब लोगों से मेरा विनती भरा निवेदन है कि ये 6 कंट्रीज कौन सी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी 6 कंट्रीज में यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है जी, अब बात करते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड्स की। चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि यूगोस्लाविया में पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से डिसइंटीग्रेशन आ गया, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में ये चीज नहीं हुई। अब इसको समझते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। नाउ दिस इज अ रीजन इन द यूके that has for been many years the site of violent and bitter ethno-political conflicts. In fact, ये conflict जो है 1998 तक चले। आप और हम में से बहुत सारे लोग उस समय टैजोस के साथ खेला करते थे। Its population is divided into two major sects of Christianity, 53%, 53% Protestants हैं and 44% Roman Catholics हैं। अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो क्रिश्चियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो थोड़ा सा नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, एंड जो रोमन कैथोलिक्स हैं वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। नाउ कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड, और इसका जो मेजर डिफरेंस है उसको हम अपने कल्चर के सीरीज के अंदर कवर करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। नाउ कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, CNN है ना वैसे चैनल, तो वैसे याद रख लीजिएगा CN। एंड जो प्रोटेस्टेंट्स हैं देवर PU, पंजाब यूनिवर्सिटी से PU याद रख लीजिएगा। प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो रिप्रेजेंटेड, देवर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट्स, ठीक है जी। दे वांटेड टू रिमेन विद इन यूके, वांटेड टू रिमेन विद इन यूके, ये PU वाले यूके में रहना चाहते थे। CN वाले यूके में नहीं, N फॉर नहीं, नियत नहीं रहना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू गेट सेपरेटेड एंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि प्रिडोमिनेटली एक कैथोलिक कंट्री है ना। इस वजह से हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, मिलिटेंट्स, एंड ये सारे के सारे आपस में लड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट बाद में 1998 के अंदर यूके गवर्नमेंट के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर देते हैं, आफ्टर विच द लैटर सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल। तो ऐसा नहीं है कि युगोस्लाविया के तरीके से सारी की सारी कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, बहुत सारी कंट्रीज पीस ट्रीटी भी साइन कर लेती हैं। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर हम बात करें तो अभी वो यूके का एक अहम हिस्सा है। नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा देयर इज अ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड व्हिच इज अ सेपरेट कंट्री, इसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए, नाउ such examples lead some people to conclude that politics and social division must not be allowed to mix, लेकिन ऐसा भी सही नहीं है। If social divisions do exist in a country, they must never be expressed in politics. ऐसा जरूरी नहीं है, आपको समझना होगा। कारण क्या है कि not always these disasters happen. Social divisions of one kind or another exist in most of the countries of the world. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. एक डेमोक्रेसी के अंदर it is only natural कि ये जो political parties हैं, they would start talking about these divisions, है ना? They make different promises to different communities. They look after due representation of various communities. For example, अगर मैं बात करूँ, not to be offended, but अगर हम AIMIM की बात करें, हैदराबाद की तरफ से बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओवैसी जी। तो ओवैसी जी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, एंड देन ही आल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग सेक्युलर एज वेल। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ऐसा समझना पड़ेगा, इट इज ओनली नेचुरल कि एक डेमोक्रेसी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है, एंड इट इज ऑल्सो हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी। ये नुकसान नहीं है, इसका फायदा है डेमोक्रेसी को। कारण क्या है कि ऐसे में डेमोक्रेसी के अंदर सब लोगों को आवाज मिलती है, डेमोक्रेसी इस तरीके से स्ट्रेंथन भी होती है। It helps us in making policies to redress grievances of the disadvantaged communities. यहीं से तो ये बातें निकल कर आती हैं। Depressed classes, अगर backward classes की बात करें, socially economically backward classes की बात कर लीजिए आप, है, और उसके बाद आप poor section की बात कर लीजिए, उसके बाद आप social security issues की बात कर लीजिए। ये सारी के सारी चीजें ये कैसे पता चलती हैं? Unless and until the entire parliament has a strong opposition. वो opposition party जो है वो majority party के खिलाफ खड़ी होती है। मेजॉरिटी पार्टी जो है कुछ एक सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को की सपोर्ट से, जैसे मान लीजिए, जीत जाती है, ऑपोजिशन नहीं जीत पाती है। तो जो नहीं जिन्होंने मेजॉरिटी पार्टी को सपोर्ट किया उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट किया। अब ऑपोजिशन पार्टी को जिन्होंने सपोर्ट किया, क्या उनको भी तो हक है अपनी बात रखने का डेमोक्रेसी में? तो एट टाइम्स पीपल रिप्रेजेंटिंग दीज कम्युनिटीज are basically strengthening the democracy, and they are creating a healthy atmosphere in the democracy. Social divisions affect voting patterns in most of the countries. People from one community tend to prefer some party more than others. ये होगा, लेकिन ये हमेशा democracy के खिलाफ नहीं है. In many countries there are parties that focus only on one major community, and इसकी वजह से वो जीतती भी रहती हैं, and they tend to become permanent oligarchies. परमानेंट ओलिगार्की, ये क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वर्ड मैंने अपने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में भी यूज किया है फॉर डायरेक्टर्स के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताइएगा। नाउ येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एट ऑल टाइम्स, हमेशा ही डिसइंटीग्रेशन को लीड नहीं करता है, बिकॉज देयर आर थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ दीज आउटकम्स। क्या होगा, क्या डिसइंटीग्रेशन होगी या नहीं होगी, इसके ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? सबसे पहली चीज, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज. इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो किसी और चीज को अकोमोडेट करेंगे. आजकल ऐसा ही तो हो रहा है, तो मुस्लिम्स और हिंदूज के केस में ऐसा ही हो रहा है. जब वो अपनी आइडेंटिटीज को इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे, सिंगुलर बेसिस पे, एक्सक्लूसिव टर्म्स में देखना शुरू कर देते हैं, तो वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं. दे डोंट टेंड टू अकोमोडेट ईच अदर. इट इज मच इजियर इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज एज मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी. ऐसा ही हुआ था 2014 के अंदर, जब एक पार्टी ने जीत हासिल की थी अक्रॉस कास्ट लाइंस, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस. रीजन बीइंग 2014 एंड 2019 में भी ये चीज देखी गई थी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर, दे स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स. हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उन्होंने खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, नॉट जस्ट एज हिंदूज एंड मुस्लिम्स या कास्ट हिंदूज एंड कास्ट मुस्लिम्स या नॉन कास्ट हिंदूज और नॉन कास्ट मुस्लिम्स, सो कॉल्ड नॉन कास्ट एंड कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो ऐसे में जो आइडेंटिटीज थी, देवर मल्टीपल, देवर ओवरलैपिंग एंड देवर क्रॉस कटिंग, क्रॉस भी कर रही थी. एंड इसी वजह से, बहुत सारी रीजंस की वजह से, एक पार्टी जो है जीती है. एंड यही रीजंस हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये जो एक आइडेंटिटी थी, ये जो सिंगुलर आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को तोड़ा एंड उसमें से जो मल्टीपल आइडेंटिटीज निकल कर आए, एक दूसरे को अकोमोडेट करना, व्यू पॉइंट को अकोमोडेट करना शुरू किया इन दोनों कम्युनिटीज ने. So this is how most of the people in our country see their identity. They think of themselves as Indians as well as belonging to a state or a language, social or religious community. तो आप भारतीय भी हैं, आप स्टेटवासी भी हैं, लैंग्वेज के को बिलोंग कर, हिंदू हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी हार्टलैंड से हैं, मलयालम है तो मलयाली बोला जाता है, फिर उसके बाद कन्नडिगाज होते हैं, देन देर आर तमिलियंस जो तमिल बोलते हैं, तेलुगुज तो तुलु हैं, उसके साथ साथ देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस और या तो वो हमारी शेड्यूल 8 वाली लैंग्वेजेस तो छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा इतने सारे डायलेक्ट्स हैं. उन डायलेक्ट्स के ऊपर भी अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल पंजाब रीजन में तो मांझा की अलग लैंग्वेज है, मालवा की अलग लैंग्वेज है, देन देयर इज शाहपुरी जो पाकिस्तान रीजन में बोली जाती है ना. सो इतने सारे डायलेक्ट्स एक ही लैंग्वेज के जब हो जाते हैं, तो भारत में लैंग्वेज के भी ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं. देन देर आर सोशल ग्रुप्स, सोशल एंड देन रिलीजियस कम्युनिटीज है. तो इतने सारे आउटकम्स के डिटर्मिनेंट्स हैं. अगर ये ओवरलैपिंग हो जाते हैं तो ये और सिंगुलर हो जाते हैं, एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, तो ये अकोमोडेट नहीं करने देंगे एक दूसरे को. ये सोशल डिफरेंसेस डिविजन्स में बदलेंगी, ये डिविजन्स फिर धीरे धीरे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में बदलनी शुरू हो जाएंगी. लेकिन अगर ये इफ दे आर कटिंग अक्रॉस ऑल दीज इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड ऐसे ओवरलैपिंग नहीं है, दे आर क्रॉस कटिंग ईच अदर, तब आप एक दूसरे को अकोमोडेट कर जाएंगे. जहां पे सिंगुलर नहीं, मल्टीपल आइडेंटिटीज में आप विश्वास रखते हैं. इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी. किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अपनी कम्युनिटी की डिमांड्स को रेज करते हैं. इट इज इजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी, राइट. यूगोस्लाविया में फॉर एग्जाम्पल द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज प्रेजेंटेड देयर डिमांड्स इन सच अ वे दैट कुड नॉट बी सीन as being accommodated within a singular country. सिंगल कंट्री में इन सारी डिमांड्स को नहीं अकोमोडेट किया जा सकता था, इसी वजह से डिसइंटीग्रेशन भी हुई. इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. पहले देखा हमने लोग कैसे अपनी आइडेंटिटीज को परसीव करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल लीडर्स उनकी डिमांड्स को कैसे रेज करते हैं. अब हमने देखना है हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. सरकार कैसे रिएक्ट करती है. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, वो यहाँ पे हो गई चर्चा. This is talking about government. If the rulers are willing to share the power and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions become less threatening. नहीं तो फिर आपको पता ही है ना. तो ये सारी चीजें ये हमें समझनी होगी. चलिए मूविंग ऑन. Thus, the assertion of social diversities in a country need not be seen as a source of danger. हर बारी खतरा नहीं है. In a democracy, political expression of social divisions is very normal. ये होगा डेमोक्रेसी के अंदर, आपको जगह भी देनी है. इसी को डाइसेंट भी बोल देते हैं बहुत बार ना, इसे डाइसेंट बोल देते हैं, जहां पे आप वेरिंग डिग्रीज ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन सोशल डिविजन्स. एंड वो अगर मेजॉरिटी ओपिनियन से अलग है, इफ इट इज अगेंस्ट और इज नॉट इन टैंडम विद मेजॉरिटी ओपिनियन, तो उसको डिसेंट भी बोल देते हैं. एंड कैन बी हेल्दी, इट कैन बी हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी, पर्टिकुलरली इंडियन डेमोक्रेसी. नाउ ये जो डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है. दे कैन फाइंड एक्सप्रेशन फॉर देयर ग्रीवांसेस एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू दीज, है ना. अब इस फ्रेज को जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं, ये NCERT से डायरेक्ट एक्सर्प्ट निकाला गया है, इसको आपने ध्यान से सुनना है. Expression of various kinds of social divisions in politics often results in their cancelling one another out and thus reducing their intensity. This leads to strengthening of democracy. Now, जब आप various kinds of social divisions को politics में जगह देते हैं, this tends to often cancel out one another, reducing their intensity. जब आप एक दूसरे के खिलाफ politics के रास्ते जाते हैं तो वो बहुत ही इतना हेल्दी हो जाता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है कि बहुत सारे रिफ्ट्स जो हैं, जो सोसाइटी के रिफ्ट्स हैं, वो इंटेंसिटी उनकी कम हो जाती है क्योंकि पॉलिटिक्स में वो चले जाते हैं. तो ये एक एंगल है जिस तरीके से आप अपने, फॉर एग्जांपल इसको मैं ये बोलूंगा कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है इंडिविजुअल का सोसाइटी के अंदर अगर जो स्ट्रेस लेवल है वो जब पॉलिटिक्स में चला जाता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी, willingness to accommodate can it do not come about easily. They do not come about easily. People who feel marginalized, deprived and discriminated against, they have to fight against injustices. बहुत सारी injustices daily basis पे भी होती है. कुछ समय पहले की बात है, 1947 से पहले की, तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो केरला के अंदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुई थी. तो वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो चली थी वो सारी की सारी मूवमेंट इसी बेसिस पे थी कि बेसिकली At that point of time as well, तो टेम्पल एंट्री में बैन था to a certain community, तो उस चीज को तोड़ा गया था. Such a fight often takes the democratic path, voicing their demands in a peaceful and constitutional manner, seeking a fair position through elections. Elections के जरिए constitutional रास्ते से आप अपनी आवाज उठा पाते हैं democratic रास्ते के ऊपर. Now this is something जो आप positive तरीके से ले सकते हैं. Sometimes these social differences can take the form of unacceptable level. एंड वहां पे अगर आप इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को नहीं सहन कर पाते हैं, द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटी समटाइम्स टेक्स द पाथ ऑफ वायलेंस एंड डिफाइंस ऑफ स्टेट पावर. तो इसी तरीके की चीजें हमने बहुत जगह पे देखी, पर्टिकुलरली दिल्ली में देखी पिछले साल के एंड में. नाउ हिस्ट्री शोज अस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकग्निशन एंड ऑल्सो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. इनफैक्ट नेहरू जी की इसके ऊपर एक स्टेटमेंट है, मैंने शायद पिछले लेक्चर्स में ये चीज कवर भी की है, जहां पे नेहरू जी ने एक इंटरव्यू में बोला था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम विल ही अडॉप्ट इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो नेहरू जी रिप्लाइड के ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप. तो वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे. तो उन्होंने, रिपोर्टर ने वापस नेहरू जी से पूछा, पता नहीं क्यों इतने सवाल पूछते हैं रिपोर्टर्स, तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछ लिया. सेकेंड क्वेश्चन वॉज वेदर ही थिंक्स दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू रन अ गवर्नमेंट. तो ही सेड इट वॉज द सेकेंड बेस्ट. अब उसके ऊपर पूछा उन्होंने कि भाई तीसरा सवाल आ गया कि व्हाट इज द बेस्ट वन, तो बेस्ट वन वाला कौन सा है, तो नेहरू जी ने कहा इट वाज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी तक नहीं डिस्कवर किया है. दैट मींस कि डेमोक्रेसी के अपने लूपहोल्स हो सकते हैं, अपनी कमियां हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी तब भी इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू माय पार्ट, दो शब्द जो मैंने आपको बताने, तो मेरे दो शब्द हैं वो आपको आपके आंसर्स में, आपके कह लीजिए एसेज में, GS2 हो, GS2, GS1 भी फॉर दैट मैटर, जहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी आ सकती है, सोसाइटी आ जाती है, कल्चर आ जाता है वहां पे, एंड एसेज में तो डेफिनेटली बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं एसेज के अंदर, बिकॉज एसेज में थोड़ा सा फोटे है, आप समझ लीजिए, कह लीजिए. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी टेंड टू वर्क ऑन आइडेंटिटीज. हम अपनी आइडेंटिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं. एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको सेक्युलरिज्म से रिलेटेड ऐसे आ जाता है, तो एवरी इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू फाइट फॉर हिज और हर ओन आइडेंटिटीज, अपनी अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है. इवन इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड आप भी यही सब कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल वर्ल्ड में. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, कुछ चीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं. तो दीज आइडेंटिटीज बिकम इंपॉर्टेंट. अब धीरे धीरे यू टेंड टू इमोशनली गेट अटैच्ड टू योर आइडेंटिटीज. आप इमोशनली अपनी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं. यू टेंड टू अटैच योरसेल्फ विद दिस आइडेंटिटी. एंड जब आप इमोशनली अटैच होना शुरू होते हैं, तब आप सोचते हैं कि आगे मैं अपनी लिनियज में भी इस आइडेंटिटी को पास ऑन करूं. एंड दैट इज द रीजन कि जो कास्ट सिस्टम था भारत के अंदर, दिस कास्ट सिस्टम टर्न्ड आउट, पहले ये डिवीजन ऑफ वर्क था लेकिन ये बाद में डिवीजन ऑफ सोसाइटी कैसे बना, ये इसी वजह से बना जब लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी से इमोशनली अटैच होना शुरू हो गए। सो एक कह लीजिए एक प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट होना शुरू हो गया, एक वॉरियर का बेटा वॉरियर, या एक दलित का बेटा दलित होना शुरू हो गया। ये जो कास्ट आइडेंटिटीज डेवलप हुई ऑन द बेसिस ऑफ लिनियज, ये इसी वजह से हुई। एंड इट वाज नेवर एवर written in Rigveda, जो original Rigvedas हैं उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा था that caste would be the predominant system। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि कोई ये काम करेगा तो वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करेगा। अगर कोई एक हाई कास्ट व्यक्ति है, अगर वो मिनियल जॉब्स कर रहा है तो he has a right to be called a शूद्रा, so called शूद्रा। तो वो कास्ट सिस्टम जिस तरीके से ऋग्वेदा में डिजाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, वो चीज खत्म हो गई, डिवीजन ऑफ सोसाइटी होना शुरू हो गया, बिकॉज हम आइडेंटिटीज को इस तरीके से परसीव करते हैं। नाउ दीज आइडेंटिटीज आर सो मच ओवरलैपिंग, रीजन बीइंग कि आप अगर एक रीजन को बिलोंग करते हैं, यू विल टेंड टू फाइट अ पर्सन जो कि दूसरे रीजन को बिलोंग करता है, जो अपने रीजन की तारीफ कर रहा है या अपनी लैंग्वेज की तारीफ कर रहा है या अपनी कास्ट की तारीफ कर रहा है या अपने एक्स वाई जेड, अपनी फैमिली की भी तारीफ कर सकता है, नॉट जस्ट कास्ट। तो ऐसे में आपको एक चीज समझनी होगी अबव एवरीथिंग एल्स, एक फ्लावर, ये दिस यू कैन कोट मी ऑन दिस, अ फ्लावर ब्लॉसम्स irrespective to the fact that flowers around him are doing the same or even not। So ऐसे में आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आप अपनी लाइन को बड़ा करना चाहते हैं, ये मेरे मदर बहुत बार एग्जांपल देते हैं कि अगर आप अपनी लाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो यू डोंट हैव टू रब एनीवन एल्सेस लाइन। तो आप अपनी ही लाइन को लंबा कर दें तो दूसरे की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरे की लाइन को रब करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी डेवलप। अगर आप अपने ऊपर एंड इंडिविजुअल को फोकस करते हुए चलेंगे तो कभी भी ये डिफरेंसेस जो हैं डिविजन्स में नहीं बदलेंगे। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द आइडेंटिटीज, वी नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट। अभी क्या है, वी डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो छोड़िए, चलिए हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं दैट एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन आइडेंटिटीज जस्ट लाइक आर्स। एक्नॉलेज आर आइडेंटिटीज एंड द डिफरेंसेस दैट दीज आइडेंटिटीज प्रपोज और प्रोजेक्ट। सो अगर हम ये सारी चीजें करना शुरू कर देंगे, एंड दिस इज जस्ट प्रीकर्सर, मैं धीरे धीरे इससे और गहराई में उतरूंगा। मैंने आपसे एक ही वादा किया था कि मैं इस सीरीज के अंदर बहुत गहराई में उतरने वाला हूँ, एंड बहुत जल्दी आई वुड ट्राई कि मैं आपको एसेज भी सीधे तौर पे ऐसे डिक्टेट करना शुरू कर दूं अगर आपकी इच्छा हुई तो। नाउ इसी तरीके से हमें समझना होगा, ये आज का बहुत ही अहम जो है मुद्दा था, अहम टॉपिक था आज हमने जो डिस्कस किया है। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे ही विराम देते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। डू मेक श्योर कि आप हमारे चैनल के ऊपर बाकी वीडियोस को भी देखिएगा। हमारा डेली हिंदू का न्यूज एनालिसिस चल रहा है, वीकली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, कल उसकी वीडियो संडे के संडे जो है अपलोड होती रहती है, संडेज को वीकली करंट अफेयर्स कवर होते हैं। एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1858 के आसपास की हम चर्चा करेंगे। मैपोलॉजी सीरीज में वीकली बेसिस पे वीडियो अपलोड होती है, 4 वीडियोस अपलोड, लेक्चर हो चुके हैं, क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। वेरी सून विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन हॉट लीगल इश्यूज, जिसमें एक बहुत ही कह लीजिए इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर होने वाला है, जहां पे हम हमेशा सोचते हैं कि वुमेन आर मोस्टली द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, हम इस बार कवर करेंगे कि जहां पे मेन आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंसेस। तो इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, नॉट टू अंडरमाइन के वुमेन के साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं उसको अंडरमाइन करने के लिए नहीं, बट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हम सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटीज होती हैं, सेक्सुअल वायलेंस होती है, इट इज ऑल्सो मेन। दिस इज समथिंग दैट विल बी कवरिंग। सो डू मेक श्योर कि आप हमारी सारी की सारी वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, उस फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डाला हुआ है। ऑल्सो वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जहां पे हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है प्रोवाइड करते हैं। डू मेक श्योर कि आप उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो कि लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। एंड हमारी बहुत सारी वीडियोस की सीरीज और लाइव होने वाली है, जहां हम राज्यसभा टीवी की डिस्कशंस करेंगे, जहां पे हम ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिस्कशंस को हम यहां पे एनालाइज करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी की सारी चीजें कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड वो सुंदर सा इत्तु सा प्यारा सा बेल आइकन है, उसे भी जरूर दबाइएगा। कारण क्या है कि वो बेल आइकन जब भी आप दबाएंगे तो होगा क्या कि जब भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे तो वो बेल आइकन ऐसे टिडिंग करके ऐसे आवाज करेगा, और वो आवाज जो है आपकी और हमारी इस दूरी को दूर कर देगी। थैंक यू सो मच। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय एकेडमी ऑफ विजडम। मेक श्योर कि आप हमारी सारी की सारी वीडियोस को उतना ही सपोर्ट और प्यार दें। मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव एन ऑसम डे अहेड। एंड हाँ, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। यूट्यूब के ऊपर हमारे इस चैनल के जरिए एंड कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।